ये है आरजे कार्तिक की वन मिनट स्टोरी। ये कहानी चार दोस्तों की जो ट्वेल्थ की परीक्षा के बाद में एक छोटी सी होटल में पार्टी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 40 साल बाद फिर यहीं मिलेंगे और 1 जनवरी को मिलेंगे और जो सबसे आखिरी में आएगा बिल उसी को देना है। जो वेटर था खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा था, उसने कहा अगर मैं भी रहा यहीं पर 40 साल बाद तो आपकी पार्टी देखूंगा। 40 साल बाद पहला दोस्त पहुंचता है उस होटल में जो कि 5-स्टार होटल बन चुकी थी। वो वेटर मालिक बन चुका था। वो कहता है पहचानने के बाद कि मनीष जी आइए बैठिए, मैंने आपको पहचान लिया, मैं अब यहाँ मालिक बन चुका हूँ, मैं वही वेटर हूँ। मनीष कहता है क्या बात है। दूसरा दोस्त आता है संतोष, मनीष की बातचीत चलती है कि बिजनेस जो है ग्रो कर गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। तीसरा भी आ जाता है लेकिन चौथा प्रवीण नहीं आता है। वो जो सेठ है वो आकर के कहता है कि आप भोजन शुरू कीजिए, ऑर्डर कीजिए मेन्यू में से। प्रवीण सर ने कहा है आप मंगवा लीजिए, वो आ ही रहे हैं। डिनर शुरू कर देते हैं, डिनर कर भी लेते हैं, बिल देने की बारी आती है तो इन्हें लगता है चलो हम ही पे कर देते हैं। वो सेठ जो था भोला वो आकर के कहता है कि आपका पेमेंट हो चुका है, प्रवीण सर ने कर दिया। भारी मन से उठ करके जाने लगे कि चौथे दोस्त से मिलना नहीं हुआ। तभी एक सरकारी गाड़ी आती है, एक बंदा उसमें से उतरता है और लड़का आकर के तीनों को प्रणाम करके कहता है नमस्ते अंकल, मेरे पिताजी टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनने के काबिल कर दिया और वो 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब वो तीनों पार्टी खत्म कर दें उसके बाद जाना और पेमेंट वगैरह कर देना, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। ये तीनों रियलाइज करते हैं कि 40 साल बाद क्यों मिले, 40 दिन बाद ही मिल लेते। अपनों से मिलते रहिए इससे पहले कि कोई आपका अपना आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आदमी पानी का बुलबुला है।